हेलो एवरीवन, वेलकम टू विभास लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम लोग भी अच्छे हैं। अभी देखिए शाम का बज रहा है 4, और आज शाम का नाश्ता किट्टू बना रहा है। वो उसका मन था वो आलू का चिप्स छानेगा और सोयाबीन बनाएगा। तो आज नाश्ते से मेरा छुट्टी है, किट्टू बना रहा है। ये देखिए, ये चिप्स काटने वाले पे काट लिया है और उसको अभी छान रहा है। तो आज इसका मन कर रहा था बनाने का। हम जा रहे थे बनाने दूसरा कुछ नाश्ते में, तो ये बोला नहीं आज हम बनाएंगे। चिप्स है, सूखा हुआ चिप्स है, लेकिन उसको नहीं छाना। हम बोले कि सूखा हुआ चिप्स छान लो, तो नहीं, वो ताज़ा आलू का काट के इसका जब मूड करता है, जो मूड करता है बना लेता है अपना। तो वो चिप्स अभी बना रहा है। हम बोले चलो आज तुम्हारा ही ब्लॉग डालते हैं। तो ये काट के पानी में भिगा दिया है, अब इसको छान रहा है। ये देखिए एकदम अच्छे से ये कुरकुरा हो गया है। अब इसको निकाल लेगा, इसी तरह पूरा चिप्स छान लेगा। अभी ये देखिए चिप्स पूरा छान लिया है। अब सोयाबीन को या न्यूट्रीनिगेट, इसको जो भी बोलते हैं आप लोग, उसको अब थोड़ा सा ऑयल डाल करके उसको भून रहा है। और इसके तड़के के लिए प्याज और हरा मिर्चा, हरा प्याज का डंडी सब काट लिया है। और ये देखिए वो सोयाबीन अपना निकाल लिया है भून करके। अभी उसमें हरा मिर्ची डाल रहा है, हरा मिर्च डाल करके भुनेगा। कुछ नहीं किए हैं, यही अपना सब काटा पीटा है, जो भी किया है। आज मेरा नाश्ते से छुट्टी है, तो ये अभी हरा मिर्च अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद और बाकी प्याज व्याज डालेगा। तो अभी देखिए मिर्चा हो गया है। अब ये प्याज को लंबा लंबा स्लाइस में काट लिया है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करेगा, उसके बाद ये ग्रीन वाला प्याज का डंडी काट लिया है और पत्ता थोड़ा सा, ये प्याज थोड़ा सा भुना जाएगा, उसके बाद वो डालेगा। अभी देखिए हरा प्याज का पत्ते डालने के बाद सोयाबीन जो भून के रखा था उसको डाल दिया है, मिक्स कर दिया है। और ये पिज्ज़ा सॉस है थोड़ा सा, उसी में डाल दिया है, इसे थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा।
ये देखिए किट्टू का नाश्ता बन के तैयार हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं नाश्ता करने। उसके बाद पानी आ गया है बाहर, गमले में और कूलर में पानी भी भरना है। तो देखिए नाश्ता बन के तैयार। अभी हम कूलर में पानी लगाए हैं और गमले में भी देना है। आधे घंटे का तो पानी दे रहा है, उसी में अंदर भी भरना रहता है, कूलर में भी गमला में भी। तो अंदर का हम भर लिए हैं, अभी कूलर में लगाए थे लेकिन पहले गमला में दे लेंगे, उसके बाद फिर कूलर में लगा देंगे भरेगा। ये मेरा पाइप भी बहुत पतला है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी आता है। तो अगर थोड़ा मोटा रहता तो ज़्यादा पानी आता, थोड़ा थोड़ा आता है इसलिए लेट लगता है भरने में। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को मेरे बेटे के हाथ का नाश्ता पसंद आया है, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप लोग भी मेरे परिवार में शामिल हो जाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पसंद हो तो भी ना पसंद हो तो भी पर लाइक करें। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसे ही अच्छे से अगले ब्लॉग में। तब